अंबेडकरवादी आंदोलन की जब भी बात चलती है तो नागपुर का जिक्र बड़ी जिम्मेदारी से होता है, और अंबेडकरवादी आंदोलन के परिपेक्ष में जब भी नागपुर का जिक्र होता है तो एक नाम बड़ी शिद्दत से उभर कर सामने आता है, और वो है कामटी। कामटी इसे अब हम नागपुर का उपनगर भी कह सकते हैं। कामटी की दूरी नागपुर से 16 किलोमीटर है, लेकिन 16 किलोमीटर का ये फासला अब नाम मात्र रह गया है। नागपुर की आहट अब कामटी में सुनाई देती है, और कामटी की खुशबू नागपुर में भी बिखेरती है। बहरहाल ये बात हो रही है 20वीं सदी के शुरुआती दौर की, जब क्रांतिबा ज्योतिराव फुले सत्यशोधक समाज का निर्माण कर निवृत्त हो चुके थे, और परिवर्तनवादी हवाओं के साथ भारतीय क्षितिज पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का उदय हो चुका था। और कामटी में द्वारकाबाई लक्ष्मण राव नगरकर के घर 6 जनवरी 1904 में एक बालक ने जन्म लिया। नाम रखा गया हरदास। नगरकर परिवार के लिए यह बड़ी खुशी का अवसर था, क्योंकि हरदास का जन्म नगरकर परिवार में उस वक्त हुआ जब उनके यहां कोई बच्चा जीवित नहीं रह पा रहा था, और एक लंबे अंतराल के बाद हरदास का जन्म हुआ, तो परिवार में सब लोग बड़े खुश थे। वैसे लक्ष्मण राव नागपुर जिले की मौदा तहसील के सिंगोरी बोरी गांव के रहने वाले, लेकिन रेलवे की नौकरी के कारण अब कामटी में बस गए थे। अछूत परिवार से कोई व्यक्ति नौकरी में होना, इसका मतलब उस वक्त ये होता था कि परिवार थोड़ा सुखी है, और इस लहजे में हम इस परिवार को थोड़ा संपन्न जरूर कह सकते हैं। और हमारे यहाँ जो सामाजिक ताना बाना विकसित हो गया है, उस लिहाज से जो संपन्न होता है उसका सम्मान भी बड़ा होता है। बहरहाल माता पिता के लाड़ प्यार में बढ़ा अकेला बेटा हरदास कद काठी में भी बड़ा मजबूत था। हरदास की प्रारंभिक शिक्षा कामटी के बाजार स्कूल में संपन्न हुई, और 8वीं तक की पढ़ाई कामटी के आईएम स्कूल में हुई। आगे की पढ़ाई के लिए हरदास ने नागपुर का रुख किया। पटवर्धन हाई स्कूल में उनका दाखिला हुआ। परिवार का साथ और पढ़ाई की जिद में हरदास का जीवन अच्छा बीत रहा था कि अचानक उनके पिता लक्ष्मण राव का देहांत हुआ। यह 1920 की बात है। यह घटना हरदास के लिए दूतरफा घाव करने वाली रही। एक तो यहां से उनकी पढ़ाई छूट गई, और परिवार का खर्च चलाने आमदनी के संसाधन भी उन्हें जुटाने पड़े। इसी जुगत में हरदास ने ब्रुकबॉन टी कंपनी में वितरक की नौकरी धर ली। ये सन 1921 की बात है। इस वक्त छोटी उम्र में ही विवाह हुआ करते थे। उम्र के 16वें साल में ही हरदास का विवाह संपन्न हुआ। उनकी जीवन संगिनी बनी कामटी के छावनी परिसर में रहने वाले बुधाजी शेंडे की बेटी सखुबाई। हरदास के विवाह के समय की एक घटना ऐसी है कि विवाह के समय बारातियों को खाना खिलाने बनने वाली रोटी के लिए आटे की जरूरत थी, तो गेहूं पिसाने के लिए आटा चक्की पर ले जाया गया। लेकिन जब चक्की वाले को पता चला कि ये गेहूं महार समुदाय के घर से आया है, तो उसने गेहूं पिसाने से मना कर दिया। छुआछूत की मानसिकता से ग्रस्त चक्की वाले ने लाख मिन्नतें करने पर भी चक्की अपवित्र होने का बहाना बनाकर गेहूं वापस पहुंचा दिया। हरदास खिन्न हुए। आखिरकार वो पूरा गेहूं आस पड़ोस की महिलाओं ने घर के पत्थरों पर पीसा और बारातियों को खिलाया। अछूतों की छाया से भी नफरत करने वाले छुआछूत का विकराल रूप इस समय हरदास ने महसूस किया, और इस छुआछूत को मिटाने कुछ करने की बात उनके मन में घर कर गई। इस वक्त सामाजिक परिवर्तन की हवाएं जरूर चल रही थी, लेकिन इन हवाओं ने बवंडर का रूप अभी धारण नहीं किया था। लेकिन हरदास एक बात समझ रहे थे कि संगठन के बगैर कोई बात बनती नहीं है, तो अपने ही समुदाय के उपजातियों में बटे हुए समूह उन्होंने इकट्ठे करने शुरू कर दिए, और
सामाजिक जागृति के लिए एक मराठी साप्ताहिक शुरू किया महारठा। इस वक्त हरदास की उम्र मात्र 18 साल की थी और इतनी कम उम्र में किसी साप्ताहिक पत्रिका का संपादक होना ये बड़े गर्व की बात है। इस बीच हरदास जी साहित्य क्षेत्र में गहरे खो गए, शब्दों की परिणामकारकता पर चिंतन करने लगे, कुछ कविताएं भी लिखी, नाटक लिखे, लेख लिखे और जिस विषमतावादी साहित्य से उनकी लड़ाई थी उसकी भाषा यानी संस्कृत भाषा भी सीखी। अपने कलम से वे समाज की व्यथा वेदना चौपाल की खूंटी पर टांगने लगे। अब वे लोगों के लिए बाबू बन गए और महारठा के संपादक के रूप में वे बन गए बाबू हरदास एलन यानी बाबू हरदास लक्ष्मण नगरकर। इस दौरान बाबू हरदास एलन ने महार समाज संगठन की स्थापना कर ली थी। सामाजिक अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ने वाले इस संगठन के एजेंडा पर सबसे ऊपर था अंधविश्वासों का खात्मा और शिक्षा का प्रचार। और इसी कड़ी में बाबू हरदास जी ने कामठी के नया बाजार, बैल बाजार और कमसरी बाजार एरिया में 3 नाइट स्कूल खोले और शुक्रवार जो कामठी में साप्ताहिक बाजार का दिन होता है, इस दिन वे प्रति सप्ताह गीत और कविताओं के माध्यम से समाज प्रबोधन करने लगे। जो बच्चे इन नाइट स्कूलों में पढ़ते थे उनकी शिक्षा की भूख मिटाने कामठी के मध्य में जो पेर की चाल है वहां एक वाचनालय भी शुरू कर दिया जिसमें व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन से जुड़ी पत्र पत्रिकाएं मौजूद थी। महिला सशक्तिकरण की महत्ता बाबू हरदास एलन जानते थे। उन्होंने महिलाओं के शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक सुदृढ़ता के लिए एक महिला आश्रम की स्थापना की जिसमें जीवन उपयोगी वस्तुओं के निर्माण का प्रशिक्षण दिया जाता था। मढ़ई ग्रामीण जीवन का एक ऐसा सांस्कृतिक महोत्सव जहां सभी ग्रामीण शामिल होते हैं। लोगों में बड़ा उत्साह होता है मढ़ई में, लेकिन लोग तो लोग हैं, तरह तरह के लोग होते हैं। कई ऐसे भी होते हैं जो मेले में महिलाओं को परेशान करते हैं। उस वक्त जो महिलाएं मढ़ई मेले में आती थी तो कुछ मनचले कार्यक्रम में बैठी महिलाओं के पल्लू से पटाखे बांध देते थे और इससे महिलाएं भय और मारे लज्जा के पानी पानी हो जाती थी। बाबू हरदास इस दृश्य से व्यथित हो जाते और इसी स्थिति पर कड़ी टिप्पणी करते हुए उन्होंने पुस्तक लिखी मंडई महात्म्य, और महिलाओं को इस तरह के मढ़ई मेले में शामिल नहीं होने का निवेदन किया। ये 1924 की बात है और 1925 में मनोरंजन से प्रबोधन की राह उन्होंने धर ली। बाबू हरदास एलन ने एक नाटक लिखा वीर बालक, जगह जगह इसकी प्रस्तुतियां भी दी। ये वो वक्त था जब अछूतों को मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता था, तो बाबू हरदास ने अछूतों की धार्मिक आस्था और उपासना की पूर्ति के लिए अछूतों के लिए अलग से मंदिर बनवाए और कुओं का निर्माण कराया। अछूतों की सर्वांगीण प्रगति का ध्येय अपने मन में जिलाने वाले बाबू हरदास एलन 1928 में पहली बार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से मिले। जब तरुण महार संघ ने एक अधिवेशन का आयोजन किया था, इस अधिवेशन के बाद कामठी में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सत्कार समारोह आयोजित किया गया। इसकी पूरी जिम्मेदारी बाबू हरदास एलन ने उठाई। अछूत समुदाय में विद्या विभूषित डॉक्टर अम्बेडकर को देखने उस समय लोगों का हुजूम लग गया। इसी समय मध्य प्रदेश बीड़ी मजदूर संघ की स्थापना बाबू हरदास एलन ने की। ১৯৩০ में नागपुर में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस का अधिवेशन हुआ जिसमें स्वतंत्र मतदार संघ की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ। इस अधिवेशन में प्रतिभागियों के भोजन, निवास तथा पेंडॉल की जिम्मेदारी बाबू हरदास एलन ने निभाई। 1930 के कालाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में बाबू हरदास एलन ने सत्याग्रहियों को नासिक भेजा।
1931 में पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुई। इसमें एक सवाल खड़ा हुआ था कि अछूतों के असली प्रतिनिधि कौन। तब बाबू हरदास एलन गांव गांव घूमे और लोगों को समझाया, इस बात के लिए प्रेरित किया कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री सर मैकडोनाल्ड को टेलीग्राम भेजे और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपना प्रतिनिधि बताएं। इस कैंपेन से कामटी परिसर से 32 टेलीग्राम इंग्लैंड पहुंचे। इस कार्य तत्परता के लिए बाबा साहब ने बाबू हरदास एलन की बड़ी तारीफ की है। अखिल भारतीय दलित कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की अध्यक्षता में 1932 के मई माह में कामटी में संपन्न हुआ। इसके स्वागताध्यक्ष बाबू हरदास एलन थे। पुणे करार जो 1932 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच हुआ, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कम्युनल अवार्ड के रूप में अछूतों के लिए जो स्वतंत्र मतदार संघ प्राप्त किया था, इस करार के द्वारा उसे गंवाना पड़ा। इस पुणे करार पर गांधी की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय ने और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की ओर से बाबू हरदास एलन ने हस्ताक्षर किए। बाबू हरदास एलन समता सैनिक दल के कामटी यूनिट का नेतृत्व करते थे। उस वक्त के पुलिस सुपरिटेंडेंट आगा खान को समता सैनिक दल की ओर से सलामी दी गई। इस समय पुलिस दल में अछूत समुदाय से एकमात्र पुलिस कांस्टेबल थे पिराजी वानखड़े। बाबू हरदास ने आगा खान की अगुवाई में किए अपने भाषण में इस बात पर जोर दिया कि अछूतों को भी पुलिस में भर्ती किया जाए। समता सैनिक दल के अनुशासन ने आगा खान को जो प्रभावित किया, उसके बाद एक माह के भीतर 40 रिजर्व पुलिस और 30 सिविल पुलिस के रूप में अछूत युवा भर्ती हुए। सन 1933 में वर्धा में जिला डिप्रेस क्लासेस का अधिवेशन टाउन हॉल में संपन्न हुआ। इसकी अध्यक्षता बाबू हरदास एलन ने की। 1933 में ही बाबू हरदास एलन ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्मदिन मनाने की परंपरा शुरू कर दी थी और इसका पहला आयोजन नागपुर के संतरा मार्केट में किया। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी अभिवादन के रूप में जय भीम की उद्घोषणा करते हैं। 6 जनवरी 1935 से समता सैनिक दल के सैनिक जय भीम का उच्चारण करने लगे। सर्वप्रथम बाबू हरदास एलन ने इसका उच्चारण किया, लेकिन तब जय भीम के प्रत्युत्तर में बल भीम चलन में था। अब जय भीम अभिवादन बाबा साहब के अनुयायियों में नई स्फूर्ति और प्रेरणा का अनुभव कराता है। जय भीम के जनक बाबू हरदास एलन है। ১৯৩৫ में जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने धर्मांतर की घोषणा की, तो इस घोषणा के समर्थन में कामटी के डॉक्टर अम्बेडकर मैदान पर बाबू हरदास एलन ने पतित पावन दास की अध्यक्षता में एक बड़ी सभा का आयोजन किया। 1936 में प्रांतीय विधानसभा के चुनाव हुए। इनमें 15 सीटें अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थी। इसमें नागपुर कामठी क्षेत्र से स्वतंत्र मजदूर पक्ष के उम्मीदवार थे बाबू हरदास एलन। ये सीट बाबू हरदास एलन ने 21,000 वोटों से जीती और प्रांतीय काउंसिल के मेंबर बने। अब बाबू हरदास मध्य प्रांत में एक नेता के रूप में स्थापित हो गए थे। 1937 में भंडारा जिला अछूत परिषद का अधिवेशन तुमसर रोड में और अकोला जिला अछूत परिषद का अधिवेशन वाशिम में संपन्न हुआ। इसके अध्यक्ष एमएलए बाबू हरदास एलन थे। मध्य प्रांत में अब अंबेडकरवादी आंदोलन के पुरोधा के रूप में बाबू हरदास एलन का नाम बड़े सम्मान से लिया जाने लगा। प्रांतीय काउंसिल के मेंबर के रूप में बाबू हरदास एलन ने बीड़ी मजदूरों की समस्याओं पर बड़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं सरकारी दरबार में रखी, प्रस्ताव दिए और हक अधिकारों के लिए लड़ते रहे। बाबू हरदास एलन की इस संघर्ष वृत्ति का सम्मान करते हुए नागपुर बीड़ी कामगार संघ ने 1937 में नागपुर की इंदौरा चौकी पर उनका भव्य नागरी सत्कार किया।
अछूत उद्धार और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में चल रहे स्वाभिमान आंदोलन में एक संघर्षशील सिपाही के रूप में कार्यरत बाबू हरदास एलन ने 1938 में अपने गले में कोई गांठ महसूस की। वो बढ़ती चली गई। बाबू की तबीयत भी कमजोर होने लगी। वे अस्वस्थ रहने लगे। सहयोगी कार्यकर्ताओं ने बहुत मदद की, इलाज भी कराया, लेकिन 12 जनवरी 1939 में अछूत समुदाय के हक अधिकारों और अस्मिता के लिए लड़ने वाला ये सिपाही जिंदगी से हार गया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जब बाबू हरदास के देहांत की खबर मिली तो उन्होंने कहा, मेरा दाहिना हाथ चला गया। बाबा साहब की यह प्रतिक्रिया बाबू हरदास एलन का व्यक्तित्व और महत्व विशद करती है। आज भी कामटी से 5 किलोमीटर दूर कन्हान नदी के किनारे, जहां बाबू हरदास का चैत्य बना हुआ है, 12 जनवरी से 15 जनवरी तक हरदास मेला का आयोजन होता है। बाबू हरदास का जीवन काल बहुत लंबा तो नहीं रहा, लेकिन उन्होंने अपने थोड़े जीवन काल में ही अपनी कार्य क्षमता का परिचय दिया। और आज तक अंबेडकरवादी आंदोलन बाबू हरदास की सहभागिता नींव के उस पत्थर की तरह याद करता है, जिस पर अब विकास की बहुमंजिला इमारत खड़ी है।